पीएफ घोटाले मामले की, इस मामले में विजिलेंस जांच शुरू हो चुकी है। एपी मिश्रा समेत तीन के खिलाफ विजिलेंस ये जांच शुरू हो चुकी है। यूपी पीसीएस के तत्कालीन एमडी हैं एपी मिश्रा और निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी की भी जांच होगी। यहां पर सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता के खिलाफ भी विजिलेंस जांच होगी। जेल में बंद तीनों आरोपियों की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। तो यूपी पीसीएल मामले में लगातार यहाँ पर तीनों ही जो जेल में बंद है उनकी मुश्किलें बढ़ इस वजह से रही है क्योंकि अब इस पर विजिलेंस जांच भी होगी। सचिव ट्रस्ट पीके गुप्ता के खिलाफ अब विजिलेंस जांच होगी जिसमें तीनों आरोपियों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। आगे आने वाले दिनों में राह आसान नहीं होगी क्योंकि इस मामले में पीएफ घोटाला मामला है जो डीएचएफएल में पीएफ जमा करने का पूरा मामला है जिसमें बिजली कर्मचारियों के ये पैसे थे। अमित सिंह संवाददाता सब पर जुड़ चुके हैं। अमित, यहाँ पर अब मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं, जाहिर सी बात है विजिलेंस जांच जब शुरू होगी तो क्या लगता है आगे आने वाले दिनों में ये मामला और कैसे बढ़ सकता है? देखिए, निश्चित रूप से मुश्किलें बढ़ गई हैं, चाहे वो तत्कालीन एमडी एपी मिश्रा हो या तत्कालीन डायरेक्टर फाइनेंस सुधांशु द्विवेदी या फिर ट्रस्ट के सेक्रेटरी रहे पीके गुप्ता, इन तीनों के खिलाफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की सिफारिश पर विजिलेंस जांच शुरू हो गई है। विजिलेंस की टीम ने सभी महत्वपूर्ण जो दस्तावेज हैं वो ईओडब्ल्यू से ले लिए हैं और जाँच करीब एक घंटे डेढ़ घंटे पहले वो शुरू हो गई है। तीनों आरोपी अभी जेल में बंद हैं। 4 दिसंबर को ही जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी एपी मिश्रा के, उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल तीनों आरोपी जो जेल में बंद हैं उन तीनों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। मुश्किलें इस वजह से बढ़ी हैं कि डीएचएफएल के 2600 करोड़ रुपए का मामला तो इन पर है ही, यूपीपीसीएल के हजारों कर्मचारियों का 2600 करोड़ से ज्यादा का जो पैसा है वो उनके भविष्य निधि का पैसा, वो कैसे एक ऐसी कंपनी में लगाया गया जिसका रिकॉर्ड ठीक नहीं था, जिसके कई आपराधिक गिरोहों से संबंध थे। इसके साथ ही जो तीनों की मुश्किलें बढ़ी हैं वो आय से अधिक संपत्ति के मामले में ये जांच हो रही है। तो यानी कि अब आय से अधिक संपत्ति का जो ये मामला है इसमें अलग अलग जगहों पर इनकी संपत्तियों के ब्यौरे जुटाए जा रहे हैं कि कैसे एपी मिश्रा को तीन तीन बार रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन मिला, कैसे अखिलेश यादव की सरकार में ये आंख की पुतली बने हुए थे, कैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के साथ ही जब फाइलें तलब की गई तो इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो उन तमाम ट्रैक रिकॉर्ड्स को ध्यान में रखकर अब संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया जा रहा है और ये एपी मिश्रा के लिए मुश्किलों से भरी खबर है। उनके लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ने वाली है। तो डीएचएफएल मामले में अब आय से अधिक जो संपत्ति का मामला है वो भी अब जुड़ गया है। ये तो बात सही है, आय से अधिक संपत्ति का मामला जुड़ गया, लेकिन जिस तरीके से अब यहाँ पर संपत्ति भी जुड़ी हुई है आय से अधिक और यहाँ पर किसने इन्हें एक्सटेंशन दिया, तो क्या लगता है ये सिर्फ ये जो सुई है ये तीन अधिकारियों पर ही घूमती रहेगी या फिर आगे भी ये मामला बढ़ेगा और भी इस पर और भी लोग का जो चेहरा है वो सामने आ सकता है? देखिए, इस पूरे मामले में बहुत एक्सटेंसिव जांच हो रही है और कई जांच एक साथ हो रही हैं। निश्चित रूप से जब इन तीनों अधिकारियों की भूमिका तय होगी तो फिर इनसे पूछताछ में या जैसे जैसे जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगा उस जांच के दायरे में और लोग भी आएंगे, इसमें भी दो मत नहीं है। और भी कई हाई प्रोफाइल लोग हैं जो इस पूरे मामले में इसके जद में आ सकते हैं। चूँकि एक्सटेंशन अगर दिया गया तो किस आशय से दिया गया, 2600 करोड़ रुपये का ये जो घोटाला है इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं और क्या सिर्फ ये एकमात्र ऐसा स्कैम है या इससे और भी जुड़े हुए मामले हो सकते हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बिजली विभाग में अनियमितताओं को लेकर ये कोई इकलौता ऐसा मामला नहीं है, और भी कई ऐसे मामले हैं। तो निश्चित रूप से और लोग भी इसके जद में आएंगे, कई ऐसे हाई प्रोफाइल लोग हैं इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो अभी फिलहाल डरे हुए हैं, हो सकता है उनका नाम भी इसमें शामिल हो जाए। लेकिन फिलहाल अभी इन तीन लोगों के खिलाफ विजिलेंस की जाँच शुरू हुई है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। जी बिल्कुल। और अमित, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ये गहराई से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है क्योंकि यहाँ पर सरकार के ऊपर भी सवाल उठने लगे थे, पिछली सरकार पर भी सवाल उठने थे, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों पर तो गाज गिरती नजर आ रही है लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो सामने आया है, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिना किसी सरकार के नेताओं के परमिशन के ये मामला आगे बढ़ता रहे और किसी की नज़र भी ना पड़े। तो ऐसे में सवालों के घेरे में तो दोनों ही सरकार थी। ये बात अच्छी है कि सरकार ने यहाँ पर इस पूरे केस को बहुत बारीकी से जाँच शुरू कर दी है।
देखिए निश्चित रूप से ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि अधिकारियों पर तो कार्रवाई होती है, लेकिन जो निर्देश देने वाले मंत्री हैं वो बिल्कुल सिरे से बच जाते हैं, सिरे से वो एक तरीके से उनकी जो भूमिका है उसको नकार दिया जाता है जांच एजेंसियों की तरफ से। निश्चित रूप से जो उस समय चूँकि मुख्यमंत्री के पास बिजली विभाग था उनकी भी भूमिका उसमें रही होगी, लेकिन चूँकि अभी फिलहाल जो जाँच और जाँच का जो दायरा है वो इन तीन अधिकारियों के इर्द गिर्द ही अभी घूम रहा है। इसमें यासिर शाह का भी नाम आ सकता है क्योंकि वो भी उस समय राज्य मंत्री थे बिजली विभाग के, तो निश्चित रूप से मंत्रियों की भूमिका तय होनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि मंत्रियों की भूमिका हालांकि चर्चा में तो आती है लेकिन उस पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती, अधिकारियों तक ही बात जो है वो सीमित हो जाती है। अगर तीन बार इनको एक्सटेंशन मिला तो एक्सटेंशन देने के पीछे कारण क्या था? अगर इतने योग्य थे तो एक के बाद एक इतने बड़े बड़े स्कैम्स में इनका नाम क्यों आ रहा है? तो निश्चित रूप से आपका सवाल जायज है, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, और सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के जितने भी राज्य हैं उन तमाम राज्यों से जो स्कैम से जुड़े हुए जो खबरें आती हैं अधिकारियों तक ही बात सीमित रह जाती है, बात मंत्रियों तक पहुंचती ही नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अमित, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे।